नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर एक सफर करते हैं बॉम्बे टू यूपी। आपको बीच में मिलेंगे। और अभी तक हम लोग सोचते ही थे, देखते ही थे, बहुत से बदलाव किए गए हैं ट्रेन के अंदर जाने के लिए। तो आज हकीकत हम लोग देखते हैं। मैं इस समय लोकमान्य तिलक टर्मिनल LTT से बभनान। चलिए फिर अयोध्या दर्शन करते हैं और जो गांव में अपने लोग हैं उनको मिलते हैं। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। सब पूरा प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो सीजन में हम लोग भीड़ देखते हैं वो भीड़ अभी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी भीड़ है। अभी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि सीट बाई सीट रिजर्वेशन में AC में वेटिंग लिस्ट के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं, तो उस चीज़ को आज हम खुद भी एहसास करेंगे, देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। प्लेटफॉर्म तो एकदम बहुत शांत है, क्योंकि जब हम लोग अप्रैल मई में सफ़र करते हैं यूपी के लिए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, पूरा खचाखच भरा रहता है। अगर सरकार कुछ गाड़ियाँ बढ़ाती है, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी कन्फर्म करके देती है, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। प्लेटफॉर्म से निकल के हम लोग अपने जहाँ से हमारी गाड़ी जाने वाली है वहाँ पे आ गए, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी लगी नहीं है। प्लेटफॉर्म पे एकदम पूरा शांति है, सब लोग अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कि वेटिंग का जो टिकट लेने वाले हैं क्या हाल चाल है, ट्रेन कैसी है, क्या कैसी चल रही है, क्योंकि जब से ये शुरुआत हुई है इसकी कि वेटिंग वाले को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लंबी गाड़ियों की जो लंबी गाड़ी चलती है, तो हम लोग ये पहला सफ़र है मेरा लंबे का। वैसे सुनने में भी बहुत आया, देखने में भी आ रहा है और लगता भी है ऐसा है। और अच्छी पहल है सरकार की ये, अगर जो वेटिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि वेटिंग का टिकट जो लेके अंदर जाते हैं वो जितने सीट रहती है उससे ज़्यादा लोग अंदर चले जाते हैं। जो टिकट लेके 4-4 महीने से टिकट लेके लोग सफ़र करते हैं वो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो सरकार इसके अवज़ में अगर कोई दूसरा विकल्प निकाले, ट्रेन बढ़ा देवे या तो डब्बे बढ़ा देवे, तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आएगी और फिर मैं जो अंदर का हाल है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में ज़्यादा गर्दी नहीं होगी। लेकिन अभी सीज़न नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीज़न के समय अगर चलती रहे जैसा अभी चल रही है तो बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय हकीकत क्या है उस समय समझ में आएगा। फिर भी चलो देखते हैं कि ट्रेन के अंदर क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो हमारी ट्रेन अब थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि हम अभी LTT पे पहुँचे हैं। LTT पे अपने जो हमारी ट्रेन है कुछ ही देर में आएगी और उसके बाद में हम आप लोग को पूरा जो विवरण है वो देंगे आगे। जैसा हम सोचते थे और जैसा सुनते थे सेम वैसा ही समय यहाँ का पोजीशन है। आप देख रहे होंगे सीट बाय सीट, एक सीट पे एक, और सब लोग बैठे हुए हैं आराम से। हमको ट्रेन में बैठे हुए कम से कम 7 घंटा हो गया है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। लोग अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठे हैं, बैठ के सब मज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई समय नहीं है, ज़्यादा गर्दी वाला भीड़ भाड़ वाला अभी समय नहीं है। देखिए अगर आगे भी ऐसा ही होता है तो ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस समय भीड़ के नाम पे तो बिल्कुल नहीं है, एक एक सीट यहाँ पे है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं और
जा रहे हैं। कभी कभी तो इतनी भीड़ होती थी कि भीड़ के देख कर लोग परेशान हो जाते थे। चलिए दोस्तों, समय है, अब हम भी थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी 12:30 बजने वाले हैं। तो जैसा सोचते थे वैसे ही है, यहाँ पे भीड़ के नाम पे कुछ भी नहीं है और हमारी ट्रेन आराम से जा रही है, बहुत आराम से जा रही है। लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन मार्च अप्रैल में जब भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम आप लोगों से कभी बात करेंगे। गाड़ी हमारी अब धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही है। यहाँ का जो बाहर का पर्यावरण है, बाहर का दृश्य है, वो भी बहुत गजब का दिखाई दे रहा है। सब तरफ इस समय हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और अब हम इस समय आगे निकल गए हैं, गाड़ी हमारी भुसावल के आगे निकल गई है। चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। ट्रेन से देखने से बहुत ही सुहावना मौसम है, बारिश बहुत जोर से चालू है यहाँ, और बाहर का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है। समय बहुत जोर से बारिश आ रही है। बढ़िया दृश्य है यहाँ का, सामने से हमारा कोई भी स्टेशन आ गया है। अभी हम लोग स्टेशन पे थोड़ा उतर कर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेशन आ रहा है। अभी इस समय हम भोपाल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे लोगों की चढ़ने उतरने की अफरा तफरी तो लगी हुई है, लोग चढ़ रहे हैं दूसरी जगह पे, और ट्रेन के अंदर गर्दी के नाम पे तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। वेटिंग टिकट अलाउ नहीं करते, इसके लिए बहुत ही अच्छे से लोग सफ़र कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको कहीं दूसरे जगह पे स्टेशन पे खड़ा हूँ और ट्रेन हमारी भोपाल में आके रुकी है। लोकमान तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जाने वाली ये गाड़ी थी, और हम लोग अभी यहाँ से भोपाल से बहुत अच्छी तरह से आगे के लिए सफ़र करते हैं। लोग इसमें चढ़ उतर रहे हैं अपने अपने ट्रेन में अपनी अपनी सीट के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, आपको कहीं आगे मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया सफर, पानी लेकर भैया, 6 घंटे का ठंडा पानी बोतल है भैया।